नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और स्वागत है आपका एक्टिंग फीवर में। खूबसूरत, टैलेंटेड और बहुत ही सरल, जितनी फिल्मों में अपने किरदार में सादगी उतनी ही असल जिंदगी में भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन सोहा अली खान की। शुक्रवार को सोहा एक खास कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंची। खास इसलिए क्योंकि फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इंदौर चैप्टर द्वारा विमेन फॉर विमेन थीम पर आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुई। फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इंदौर चैप्टर द्वारा विमेन फॉर विमेन थीम पर आयोजित कार्यक्रम में सोहा अपने चुलबुले अंदाज में दिखाई दी। खूबसूरत ड्रेस में पहुंची सोहा ने यहां विमेन पावर पर अपनी बात बड़े ही दमदार अंदाज में रखी। सोहा को देखने के लिए यहां उनके चाहने वाले भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे, जो उन्हें देखने के लिए बेताब दिखाई दिए। सोहा की जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म 31 अक्टूबर को लेकर भी सोहा ने यहां अपने फैंस को जानकारी दी। चलिए आपको दिखाते हैं सोहा की आने वाली फिल्म की कुछ झलकियां। मशहूर एक्ट्रेस, एक समाजसेवी महिला और नवाबों की राजकुमारी सोहा अली खान शुक्रवार को इंदौर पहुंचे। बहुत ही सहज अंदाज में सोहा ने दबंग न्यूज से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की और कई बातें शेयर की। एक्टिंग फीवर में खास सोहा ने अपनी आने वाली फिल्म 31 अक्टूबर के बारे में भी बताया, जिसमें वो पहली बार एक पंजाबी सिखनी का किरदार अदा कर रही है। इस वक्त मेरे साथ है स्ट्रेट अवे फ्रॉम द नवाब फैमिली, द प्रिंसेस ऑफ नवाब फैमिली सोहा अली खान। सोहा, वेलकम टू इंदौर। आज आप फिकी के फंक्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, विच सेज विमेन फॉर विमेन, द अम्ब्रेला इज लाइक विमेन, हाउ विमेन शुड हेल्प विमेन। इस पे क्या आइडिया है आपका? बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि आई थिंक के वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में अगर बात करें, वी मेड ह्यूज प्रोग्रेस इंडिया में। लेजिस्लेशन देखें या आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें, लॉज देखें, तो वी आर रियली मेकिंग प्रोग्रेस, बट स्टिल देयर इज अ काइंड ऑफ कल्चरल एक जो एटीट्यूड है ना हमारा, कि लड़कियों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए, लड़कों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए, वो बदलाव अभी हम ज़्यादा देखना चाहते हैं। एंड द बेस्ट वे, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप एक औरत को सिखाएं तो वो पूरी फैमिली को सिखाती है। अगर एक आदमी को आप शिक्षा दें तो सिर्फ आदमी को शिक्षा मिलती है, औरत से मतलब पूरे परिवार को, पूरी सोसाइटी को जी शिक्षा मिलती है। तो वो इसीलिए टू आई थिंक मीट एज वुमेन एंड डिस्कस वुमेन्स इश्यूज और हमें क्या चाहिए, आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ। टॉकिंग अबाउट योर नेक्स्ट रिलीज 31 अक्टूबर, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्या आइडिया है, क्या थॉट है इस मूवी के पीछे? इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी एक्चुअली, जो 31 अक्टूबर पे जो हादसा हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या हुई 1984 में, तो उसके 24 घंटे बाद की एक कहानी है कि उस 24 घंटे में क्या बीतती है एक सरदार फैमिली के ऊपर, एक सिख फैमिली जो दिल्ली में रहती है, और मैं सरदारनी का रोल निभा रही हूँ पहली बार, और एक इंटेंस फिल्म तो है। लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस एज अ सरदारनी, लाइक स्पीकिंग पंजाबी। इट्स वो ऐसे ठेठ पंजाबी नहीं है, इट्स दैट दिल्ली वाली पंजाबी जिसपे हम मतलब काफी अटायर्स वेरी जेन्युइन, जिस तरह से ऑब्वियसली वो लोग मतलब अपने आप को ड्रेस करते थे, लिटिल गोल झुमका ज्यादा है, दोज लिटिल गोल बाली सॉरी जो पहनते थे, सो इट्स ऑल दोज थिंग्स आर लिटिल टचेस दैट द डायरेक्टर्स ब्रॉट इनटू द फिल्म, एंड इट्स अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ कोर्स, जो मैं सर्टनली अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एज वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन, सो अभी एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, लाइक वाई टू यू नो एक संबोधन देना लाइक डियर, यू नो स्मृति ईरानी ऑन ट्विटर शी इज बीन ट्रोल्ड एंड फाइटिंग अगेंस्ट दिस, तो आपका इस पर क्या है, क्या आइडिया है, क्या थॉट है कि यू नो डियर यूजिंग संबोधन किसी विमेन को देने के लिए? I think that as far as I understood, then someone said ki dear is a greeting that we use for men and women both. And when you address a letter, it starts with dear, like all addresses are addressed to me. So I don't think it's gender specific. Dear, as far as I know, is not gender specific only to Mr. or Mrs. It's professional and it's used in a gender neutral way for men and women, as far as I know. But I'm certainly not an expert. So talking about Soha, screen pe, you know, you entertain people like...
एक्टर्स एनी एक्टर और एनी हीरोइन हीरो यू एंटरटेन अदर पीपल बट पीपल दे वॉन्ट टू नो लाइक वट डू एक्टर्स डू फॉर देर ऑन एंटरटेनमेंट लाइक इफ आई एम यू नो आई एम फ्री आई वुड प्ले कैंडी क्रश तो पीपल वॉन्ट टू नो वट सोहा अली वॉन्ट्स टू डू वेन शी इज फ्री और शी वॉन्ट्स एन एंटरटेनमेंट आई हैव नो गेम्स ऑन माई फोन एट ऑल मुझे समझ में नहीं आता है लोग कैंडी क्रश कैसे खेलते हैं आई लव वॉचिंग फिल्म एक्चुअली फिल्म आर वंडरफुल इसीलिए शायद मैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती थी क्योंकि जो एंटरटेनमेंट आपको मिलती है इमोशनल रिलीज मिलती है और जैसे मैंने ऑडियंस से भी कहा कि क्राइम इज माई फेवरेट तो जब भी मैं काम करके थक के घर पहुंचती हूँ जितनी भी लेट पहुंचती हूँ एक घंटा तो मुझे अपने लैपटॉप पे या टीवी पे इफ आई सी वन सीरियल मर्डर मिस्ट्री तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और योगा करती हूँ मैं एक्साइटमेंट के लिए नहीं डिस्ट्रेसिंग के लिए किताबें पढ़ने का शौक है मुझे और फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ बाहर डिनर पे जाने का ट्रैवलिंग करने का इन सब चीज़ों का शौक है I don't know if I'm full of life, but I'd like to think I'm at least half full of life. Okay, Soha, this is a question somebody told me to ask you. Like, somebody wanted to ask this from you, ki, no, gossips, like, aap toh Bombay mein, Bollywood gossips ke beech mein rehti hai, but we've been so far, like, yahan hum rehte hai, hum toh sirf usko sun paate. So, which is any recent gossip, or what all are the gossips for you? Mere baare mein ya kisi aur ke baare mein? Nahin, kisi aur. Anything. Woh toh main toh padhti bhi nahi hu. Actually, tabloids mein padhti nahi hu, kyunki mujhe pata hai ki jo aata hai paper mein, फॉर मी गॉसिप इज जनरली जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और सब लोग कहते हैं कि लड़कियां गॉसिप करती है मेरे इतिहास में तो ज्यादा लड़के लोग गॉसिप करते हैं एंड व्हेन आई सिट विद माय मेल फ्रेंड्स तो फिर पता चलता है कि अच्छा इसकी दोस्त ने ऐसे किया इसके हस्बैंड ने वैसे किया वो सब गॉसिप होता है जो पर्सनल बातें होती है जो हमारी लाइफ को ना तो अफेक्ट करती है लेकिन हमें फिर भी इंटरेस्ट है तो मैं समझ सकती हूँ कि लोगों को गॉसिप में इंटरेस्ट क्यों है और मैं भी गॉसिप करती हूँ लेकिन जिन लोगों के बारे में थोड़ा सा जानती हूँ जिन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं जानती हूँ तो उनके बारे में नहीं थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस थैंक यू तो ये थी हमारे साथ प्रिंसेस सोहा अली खान जिन्होंने काफी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए अपनी आने वाली मूवी के बारे में भी बताया और बताया कि एक्चुअली में फिल्मी गॉसिप्स होती गया है मैं हूं साक्षी शर्मा कैमरा पर्सन तलाश राठौर के साथ दबंग न्यूज इंदौर